पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वैश्य समाज मुरादाबाद की टीम के द्वारा बुधवार को कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में बालाजी मंदिर पर बालाजी महाराज का चोला चढ़ाया गया और उनकी लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की गई। साथ ही बालाजी महाराज से नंदगोपाल नंदी के स्वस्थ रहने की कामना की गई। तो वहीं वैश्य समाज मुरादाबाद की टीम ने मिलकर आज सिल्वर स्पून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडल प्रभारी सुनीता गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर केक काटकर नंदगोपाल नंदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया, साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना की गई। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर और बुके भेंट की गई, साथ ही नंदगोपाल नंदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की मंडल प्रभारी सुनीता गुप्ता, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम की चीफ गेस्ट अल्पना गुप्ता रही और राजेश रस्तोगी संयुक्त रूप से रहे। इस अवसर पर मदालसा शर्मा, मनीष गोयल, हर्षित गुप्ता, अरविंद गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, नितिन गुप्ता, गौरव गुप्ता, शिवांश गुप्ता, श्रेया गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, सोनिया गुप्ता के साथ वैश्य समाज के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, श्रीमती अल्पना गुप्ता जी, श्रीमती मदालसा शर्मा जी, श्रीमान राजेश रस्तोगी जी, महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता जी व पश्चिमी वैश्य समाज की मंडल प्रभारी व मार्गदर्शनकर्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता जी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही वैश्य समाज के उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। आज का हमारा ग्राम कार्यक्रम जो मैं वैश्य समाज की उत्तर पश्चिमी की मंडल अध्यक्ष बोल रही हूँ और आज प्रोग्राम नंदी भैया जी का पुनर्जन्म के लिए हमने आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि भगवान उनका हर जीवन अच्छा हो और वो जिस तरीके से उन्होंने कष्ट सेके, बम ब्लास्ट में इतनी परेशानियां सेके वो आज हमारे बीच में है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। और मैं यही कहूँगी भोलेनाथ से कि वो हमेशा हम सबके बीच रहें। भोलेनाथ से यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, ताकि वो सब गरीबों की सहायता करते रहें, सबको समझाते रहें, प्रेरित करते रहें। आज वैश्य समाज का जो इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा संगठन है, वो हमारे भैया का ही है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। और मैं सभी देशवासियों से और महानगरवासियों से, जिले के लोगों से यही कहूँगी कि वैश्य समाज को एकजुट बनाएं, एक साथ बनाएं, एक साथ रहें, ताकि हमारी हिम्मत मजबूत रहे और हम ऐसे ही कार्य करते रहें। जिला मुरादाबाद में हमारे जो वैश्य समाज के कार्य होते हैं बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। आज आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी का आज पुनर्प्राप्ति जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आज उनका जन्म दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज ही नहीं, उसकी पूर्व संध्या पर भी सैकड़ों मंदिरों में पूजा अर्चना, जैसे मुरादाबाद की एक यूनिट ने कल बालाजी के मंदिर पर बहुत बढ़िया आरती और खूब बढ़िया हनुमान चालीसा के साथ उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं अर्पित की और प्रभु से प्रार्थना की कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और इसी के क्रम में हम सभी वैश्य बंधु मिलकर उनका जन्म दिवस आज भरपूर तरीके से मना रहे हैं। वैश्य समाज के हमारे मंडल की अध्यक्ष हैं सुनीता जी और प्रभारी, और हमारे जिला अध्यक्ष हैं अंशु भैया और नगर अध्यक्ष हैं कपिल भैया। ये सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये संजोया गया है। नंदगोपाल नंदी जी पे जो विगत वर्ष में 2010 में हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान जोखिम में पड़ गई थी, जिससे वो दोबारा से अपना जीवन उन्होंने प्राप्त किया, उस दिवस को 12 तारीख को मनाने के लिए पूरे देश प्रदेश में नंदगोपाल नंदी जी का ये दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा ये सुंदर कार्यक्रम सजोया। वैश्य समाज की यूनिटी, वैश्य समाज की एकता के लिए इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के संगठन के कार्यक्रम होते रहना बहुत जरूरी है। हमारा वैश्य समाज एकत्रित है, संगठित है, मुरादाबाद महानगर में इस समाज की एक पहचान है। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में वैश्य समाज का अपना एक अलग स्तर है, अपनी अलग एक पहचान है। मैं सबको बधाई देता हूँ और नंदी जी को इस दिवस के लिए भूरी भूरी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
और इस सब कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।